सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक लाजवाब वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को तो मिलेगा और काफी मजा आएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको वीडियो के अंत में मिलेगी। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया है एम्बेसडर डॉक्टर दीपक वोरा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, आपको हम सुनते रहते हैं और आपसे बहुत कुछ सीखने की भी कोशिश करते रहते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग मी आभारी टुडे। हूँ कि आपने ये मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर आने का। आपका तो यू आर लेजेंडरी मैम, पूरी दुनिया में आपकी वाह वाह होती है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर। सर पाकिस्तान आप देख ही रहे हैं आजकल जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की, और साथ ही आप देख रहे हैं IMF से भी लोन अभी तक नहीं मिला है, लेकिन जिस किस्म की सिचुएशन बनी हुई है आपस में, जो एक क्लैश नजर आ रहा है गवर्नमेंट का और साथ इमरान खान, तो क्या देख रहे हैं सर आप पाकिस्तान को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं, और क्या संभाला जा सकता है या हर तरह की होप्स इस वक्त खत्म हो चुकी है? सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग सब अपनी सच्चाई के दायरे में जीते हैं। मेरी दो सच्चाइयां हैं। मेरी पहली सच्चाई ये है कि मेरी उम्र 72 साल की है होने वाला, और मेरी दूसरी सच्चाई ये है कि अभी भी मैं बहुत हैंडसम हूं। True, तो बहुत sir. अच्छा लगा। I agree. और जब मैं सॉरी I agree with you, sir. थैंक यू बच्चे, थैंक यू। और फिर इसीलिए जब मैं कभी मिलता हूँ मैडम लोग से तो ये गीत गाता हूँ। तो ये गाना है बचना है हसीनो लो में आ गया। अच्छा बेटे, क्या है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हर हफ्ते एक मन की बात करते हैं, आज मैं आपके साथ दिल की बात करना चाहता हूँ। पहली ये है, जो लोग करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देखते हैं और खासतौर आपके देश में, से कहना चाहता हूं कि आई पर्सनली हैव नो मैलिस टुवर्ड्स पाकिस्तान। मैं बहुत कम सोचता हूं आपके देश के बारे में, जब पढ़ता हूं तो बहुत बुरा लगता है। एक ही देश थे, इकट्ठे शुरू हुए, फिर कहां से कहां हम लोग डाइवर्जेंस शुरू हो गई अबाउट 10 years ago। मैं एक डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूं और मेरी स्पेशलाइजेशन है रिग्रेशन एनालिसिस। उसका मतलब ये होता है हम वेरिएबल्स इन वेरिएबल्स को देखते हैं और फिर हम कुछ ट्रेंड्स को एनालाइज करके बता सकते हैं कि ये होने वाला है। लेकिन आपको बता सकता हूं क्योंकि हम लोग उस दौर से गुजर चुके हैं, लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे क्योंकि मैं काफिर हूं। 1991 में, 1990-91, हम बिल्कुल वहीं थे जहां आप आज हैं। हमारी करेंसी कमजोर हो गई थी, डिवैल्यू हो गई थी, हमारा डेट बढ़ रहा था, हमारे इंपोर्ट्स बढ़ रहे थे, एक्सपोर्ट्स घट रहे थे, महंगाई वाज अबाउट 15-20%, इन्फ्लेशन चल रहा था, यहां तक कि हमारे पास $1 बिलियन से कम फॉरेन एक्सचेंज रह गई थी और हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। बेटी, फिजिकली वी हैड टू ट्रांसपोर्ट आवर गोल्ड टू द बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। मैं उस समय प्राइम मिनिस्टर के टेक्नोलॉजी एडवाइजर का ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी था और मैं जानता हूं कि मैं कैसे उसके कमरे में जाके रोया। सैम पेट्रोडा उनका नाम था। मैंने कहा सैम आई एम गोइंग, आई कांट टेक दिस, एंड ही सेड दीपक ये भी बदल जाएगा। दैट वाज इन 1991 और 32 साल के बाद वी आर सिटिंग ऑन $600 बिलियन। उस समय 1 बिलियन थे, बिलियन में 9 शून्य होते हैं, 9 zero। तो क्या हुआ, व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम व्हाट वी डिड? सबसे बड़ी चीज होती है जो मैंने देखी है, मेरी मेरा तजुर्बा रहा है 6 देशों में, मैं अपने देश का राजदूत रहा हूं, 7 अन्य देशों में काम किया। सबसे बड़ी चीज, सबसे जरूरी चीज ये होती है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बाद, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बाद दूसरी चीज आती है सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान, और तीसरा है आत्मनिर्भरता। मैं उस आत्मनिर्भर भारत की बात नहीं कर रहा जो प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि ईच वन ऑफ अस कुछ हद तक हमें सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ता। ज्यादा चालाक या होशियार बनने से कुछ नहीं होता मैम। हमेशा हम लोग, एक अंग्रेजी की कहावत है, यू माइट विन द आर्ग्यूमेंट बट यू लूज अ फ्रेंड। तो ये ज्यादा होशियारी दिखाने से कुछ नहीं होता। अब जो मैं देख रहा हूं, जो आपने बात की है, क्रिस्टोफर नोलन की एक किताब है द डार्क नाइट राइजेस, और उसके अंदर कैट वुमन क्या कहती है कि मिस्टर वेन एक तूफान आ रहा है
और आपके दोस्त जो हैं आप छुप जाएं, क्योंकि जब ये तूफान आएगा आप लोग सब हैरान होंगे कि आप इस तरह से इस ऐशो आराम से इतनी देर तक कैसे जीते रहे और हमारे लिए आपने इतना कम क्यों छोड़ा। ये बहुत अहम बात उसने इस किताब में लिखी है। और फिर ये लड़की है, मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, उसका नाम मेरा ख्याल रोसिटा आर्मिटेज है, उसने एक किताब लिखी है द माइक्रोपॉलिटिक्स ऑफ वेल्थ इन पाकिस्तान, पिछले साल छपी थी, बिग कैपिटल इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। तो उसने लिखा है कि जब वो कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गए, जो अमीर लोग हैं आपके देश के, अपने घरों में बड़े एग्जॉटिक एनिमल्स रखते हैं, खासतौर से ऑस्ट्रिचेस। तो जब मेरे से बात हुई मैंने कहा तभी तो उनका सर जो है वो सैंड में दबा के छुपा के रखते हैं, सच्चाई को देखना नहीं चाह रहे। दिस इज टोटली अननेसेसरी। नाउ इन द लॉन्ग रन मैम, ये मैं आपको बता देता हूं, नो वन रियली सीम्स टू केयर। जो एलीट है आपकी वो अपने आप के बारे में सोचती है, आज के बारे, हर दुनिया में, दुनिया के हर देश में, सिर्फ आपका नहीं, शायद IMF और चीन, और आप बुरा ना मानिए बिकॉज आई एम सेइंग दिस आउट ऑफ गुडविल, शायद ये दो, IMF और चाइना, पाकिस्तान को बचा लेंगे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को पाकिस्तानियों से कौन बचाएगा, ये आपको फैसला करना है। नाउ व्हाट वी आर सीइंग हियर, मैं जो मैं देख रहा हूं, एक पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे पुराने जिनको मैं मिला हुआ हूँ, कहते हैं कि पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री पे IMF भरोसा नहीं करता क्योंकि आपके पास कॉम्पिटेंस नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है। आपके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं हम तो डिफॉल्ट कर चुके हैं, और आप ही के चैनल पे मैं देखता हूं किसी को चाय पीते हुए, जब आपने कहा जी चाय बहुत महंगी है तो वो चाय पी रहा है, दिखा रहा है कि जी हाँ तो चाय बड़ी सस्ती मिलती है। ये मैरी एंटोनेट ने भी कहा था जब उनके गार्ड्स ने कहा लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं बिकॉज उनके पास डबल रोटी नहीं, अच्छा तो उनको बोलो केक खा लीजिए। यू डोंट डू दिस, यू डोंट ह्यूमिलिएट योर ओन पीपल। तो आपके डिफेंस मिनिस्टर कह चुके हैं कि वी आर ब्रोक, वी हैव डिफॉल्टेड, लेकिन दूसरे आते हैं वो कहते हैं जी वो डिफेंस मिनिस्टर झूठ बोल रहा है, वी हैव नॉट डिफॉल्टेड, हम डिफॉल्ट नहीं होने देंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन डिफॉल्ट, ये सब कहने की क्या जरूरत है। सो व्हाट एल्स पाकिस्तान, अब मैं ये आपको समझा देता हूं। एलिस इन वंडरलैंड में एलिस चेशायर कैट से पूछती है कि मुझे बाहर जाने का रास्ता बताओ। चेशायर कैट कहती है दैट डिपेंड्स, तुम जाना कहां चाहते हो। एलिस कहती है मुझे तो मालूम नहीं है। तो चेशायर कैट कहती है फिर कोई भी रास्ता ले लो। व्हाट इज योर फ्यूचर, हैव यू डिसाइडेड दैट, आपने डिटरमिन किया आप कहां जाना चाहते हो। बेटी मैंने कम से कम 30 बार दिल्ली के लाल किले से हमारी इंडिपेंडेंस डे का जो एड्रेस टू द नेशन होता है बाय द प्राइम मिनिस्टर, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन के कमेंट्री की, एटलीस्ट 30 years, यू नो आई वाज इंडियाज, मेनी पीपल से आई वाज इंडियाज बेस्ट नोन टेलीविजन स्टार। तो 30 साल मैं ये करता रहा, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, फिर शाम को चाय पी के सब भूल जाते थे। और पिछले साल मैम एक चाय वाला आके कहता है मैं आपको एक मिशन देता हूं, बाय 2047 आप डेवलप्ड कंट्री बने। मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मेरे लिए तो विजन है लेकिन मेरे बच्चों के लिए वो एक मिशन है। सो नाउ आई नो मुझे किधर जाना है, आई डोंट सी दैट कमिंग फ्रॉम योर साइड। हर चीज पे इंशाल्लाह ये होगा, इंशाल्लाह वो होगा, इंशाल्लाह, कम ऑन गाइस, बहुत अच्छे हैं, भगवान हैं, बट आप लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में, व्हाट इज योर विजन। बेटी आपकी उम्र बहुत कम है, हमारा जब जंग हुआ था 65 में पाकिस्तान के साथ, 66 में बरसात नहीं हुई थी भारत में, मेरी माँ जिसे मैं भारत कहता हूँ फटी हुई थी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वी द अर्थ वॉज लाइंग क्रैक्ड, और हमसे कहा गया था कि सोमवार को भोजन मत खाओ। 52 दिन 1966 में मैं भूखा सोया, माँ कहती थी, माँ तो माँ होती है, माँ कहती थी बेटा खा ले, मैं कहा नहीं माँ, इट्स अ नेशनल इमरजेंसी, मैं नहीं खाऊंगा। फिर डैड मेरे माँ से कहते थे कि माय मदर्स नेम वाज कैलाश, हम कहते कैलाश ये नहीं खाएगा, ये दीवाना है अपने देश का, इवन दैट टाइम व्हेन आई वाज 15 ये नहीं खाएगा, आप डोंट फोर्स इट। मिसेस गांधी गई अमेरिका अनाज मांग, एक अमेरिकन न्यूज़पेपर लिखता है कि इंडियन लीडर हैज कम बेगिंग, ये चीजें नहीं करते, अमेरिकन्स में ये कर्टसी नहीं थी उस टाइम भी नहीं थी, लोग कहते आज भी नहीं है कि शी कम्स बेगिंग, खैर मिल गए उसको, और ये उनसे कहा गया कि आप बच्चे पैदा करते हो खूब लेकिन अनाज नहीं पैदा करने पाते। देन शी केम बैक, अपने सेक्रेटरी से कहा हक्सर साहब जो मेरे गुरु थे फॉरन सर्विस में, कि वी विल नेवर बेग फॉर फूड अगेन। और बेटी टूडे वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड इन द वर्ल्ड,
और उस टाइम 65-66 आपकी एग्रीकल्चर वॉज बूमिंग, लेकिन आपसे हम ले नहीं सकते थे अनाज क्योंकि जंग होके अभी अभी खत्म हुआ था. सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. तो वो डिटर्मिनेशन था, वो डिसीजन था बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप. एक बार वो डिसीजन हो जाए देन द सिविल, ये जो कल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन आया ये मिसेस गांधी ने नहीं किया था, वो खेतों में नहीं गई थी काम करने के लिए, ये किसान थे, ये सिविल सर्वेंट, ये साइंटिस्ट है, ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये आम आदमी, नॉट द आम आदमी पार्टी, ये भारत का साधारण बेटा मेरे जैसा. हम लोगों ने कहा कि अब फिर नहीं किसी के सामने झोला फैलाएंगे अनाज के लिए, तब से आज तक नहीं किया. अब तो बहुत कंफर्टेबल है, 4 साल तक अगर हम एग्रीकल्चर शट डाउन कर दें हम अपने लोगों को खिला सकते हैं. ग्रैनरीज आर ओवरफ्लोइंग. पाकिस्तान की अगर आप मुझे माफ करेंगे जो मैं ये समस्या देख रहा हूँ, देर इज नो क्लैरिटी कि आप लोग करना क्या चाहते हैं. आपके एक पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो क्रिकेट के बड़े अच्छे खिलाड़ी होते थे, तो कुछ हुआ मेरा ख्याल 2020 या 21 में, कुछ ही कंपनी ने बोला को जो ड्रिल कर रहे थे तेल के लिए कि जी कुछ साइंस आए, बस वो पहुंच गए, अजी अब तो हम दुनिया का सबसे अमीर देश हो जाएंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, और 6 हफ्ते के बाद वो कंपनी कहती जी हमें तो ठेंगा मिला है हम तो जा रहे हैं. ये सब कहने की क्या जरूरत. फिर वो कराची कोस्टल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो था उसमें बोला ओ जी बस ये तो गेम चेंजर हो गया, एक MOU नहीं साइन. मैम समस्या ये है, मैं बता देता हूं, आपकी समस्या इज नॉट द पीपल्स डिसअपॉइंटमेंट, इट इज द पीपल्स होप्स. जब आप उम्मीद उनकी उठाते हैं अजी ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर वो जो निराशा होती है वो बहुत खतरनाक है. एंड दिस आई बिलीव जो समस्या है. How do you get out of it? Very simple. IMF का तो है, जो लोन आपको मिलेगा वो मिलेगा. You can blame Allah for the सलाब आया था, ये हो गया वो हो गया, वो सब हमारे पास भी बहुत सलाब आए थे. Reality is the people have to get together, rediscover their faith in the country. कि हम चाहते हैं, हमने पाकिस्तान ले बन गया हमारा 1947. Right or wrong, I'm not getting into that. आपका देश आपको मुबारक हो, we accept it, I accept it. My family, by the way, my father is from Peshawar, my mother from Lahore. Delhi aate wakat train mein mulaqat hui thi. On 1948 they got married, 1951 I arrived. So I'm a product of partition in many ways. And you know, very proudly, and my mother was extraordinarily beautiful. That's what explains my very good looks. No, that's an aside. So, आप लोगों का जो अपनी बेटी के सामने तो कह सकता है ना, बाकियों के सामने नहीं कह सकता तो. तो बच्चे हम लोग जो देख रहे हैं, इफ यू कैन एक्चुअली बी कंसिस्टेंट, बी क्लियर लोगों के सामने एक गोल मोटिवेशन, फिर देखिए क्या होता है. अब हम लोग जब बात करते हैं, वी आर नाउ इन 2023 और हम बात कर रहे हैं 2047, अब 24 साल बचे हैं. और इतना भी बता देता हूं, जब साहब ने बहुत से अपने एडवाइजर्स और दूसरे लोगों को, आपको मालूम है आई एम स्पेशल एडवाइजर इन 3 African countries ऑन कारगिल एंड ले, पूछा कि भाई मैंने 2047 का एम दिया है कर दोगे, तो हमारा जवाब क्या था कि कर देंगे और 2047 से बहुत पहले कर देंगे. यू नो वी आर गोइंग बजर्क एट दिस टाइम, द इंफ्रास्ट्रक्चर बिंज, पता नहीं आप पढ़ती हैं कि नहीं अखबार, हम पागल हो गए हैं, धड़ाधड़ सड़कें बन रही. अब जो ये दो शहर है दिल्ली और जयपुर, और जयपुर माई वाइफ इज फ्रॉम जयपुर, 45 साल से एक ही पत्नी है मेरी, एक ही बेगम है. So we are now talking about driving to Jaipur. अब ये बना रहे हैं elevated highway. They've just announced. क्योंकि जब construction activity चलती है, फिर उसके साथ ancillary development होती है, उसके साथ जब सड़क बनेगी, दुकानें खुलेंगी, घर बनेंगे, ramps बनेंगे, cement की demand होगी, glass की demand होगी, बहुत सी चीजों की demand होगी. So infrastructure drives the economy. वहाँ पे आप गलत हो. Second is education. Ma'am. अमेरिका की आबादी 33 करोड़ की है, मेरे पास 34 करोड़ विद्यार्थी है. महाभारत में जब धर्मपुत्र अपने भाइयों को ढूंढ रहे थे, 4 भाई मूर्छित होकर गिर पड़े थे क्योंकि उन्होंने यक्ष के सवाल का जवाब नहीं दिया था, और फिर यक्ष ने धर्मपुत्र से कहा कि ये चारों उठ जाएंगे, प्लीज टेल मी इंसान की सबसे बहुमूल्य सम मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजेशन क्या है. धर्मपुत्र बोले एजुकेशन. बेटी 10,000 साल पहले हम साक्षरता लिटरेसी की बात करते थे, जब ये गोरे माफ करना नंगे जंगलों में हू करके घुमा करते थे. दिस हैज बीन आवर ट्रेडिशन एजुकेशन. सो दैट्स द सेकंड, पहला हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेकंड एजुकेशन. सबसे बड़ी चीज जो हमारी है जिसको हम कहते हैं जैम ट्रिनिटी, JAM, जे फॉर जन धन योजना. 50 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं 135 करोड़ की आबादी.
नया बच्चा पैदा होता है उसका अकाउंट एकदम नहीं खोलते, थोड़ी देर में खोल देते. दैट्स द जनधन योजना. ए इज आधार और एम इज मोबाइल. और तीनों की मुखालफत हुई थी, तीनों में लोग कोर्ट्स में गए और बोला कि ये जो जनधन योजना है ये जीरो बैलेंस आप बैंक में रखते हैं तो बैंक को पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप 100 रुपए रखेंगे वो पैसा कुछ लोन करेगा और सूद कमाएगा, पर यहां तो उसके पास है ही नहीं. तो उसकी बहुत मुखालफत हुई, कोर्ट में गए, हार गए जिन्होंने मुखालफत की. फिर आधार के ऊपर कहने लगे जी हमारी प्राइवेसी, उसके ऊपर आप आक्रमण कर रहे हैं, वो भी केस हार गए. और फिर मोबाइल पे तो पता है 2G scam, 3G scam, 4G scam, पता नहीं क्या क्या स्कैम्स के पीछे पड़े. बट दैट जैम ट्रिनिटी, उसने जो हमें इम्पेटस दिया, कनेक्टिविटी आई है, अवेयरनेस आई है और पहचान आई है. और एक बार आप शुरू हो जाओ देन इट इज सेल्फ सस्टेनिंग. फिर लोगों को विश्वास हो जाता है कि हम भी कर सकते हैं. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं सर, बिल्कुल मेरी आवाज ठीक आ रही है. सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, थैंक यू सो मच सर. सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपके ख्याल से पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत हुई है, चाहे इकोनॉमी को लेके हो चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, अब इसकी जिम्मेदारी फौज के ऊपर आती है, एजेंसीज के ऊपर आती है, या जो हमारी गवर्नमेंट्स आती रही हैं चाहे वो नवाज शरीफ साहब की हो या इमरान खान की, वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने की मिलिट्री हमारी जिम्मेदार है? सरकार को बनाता कौन है? आप लोग ही बनाते हैं. मिलिट्री भी आप ही लोगों से आती है, चंद्रमा से तो आई नहीं. एक सवाल आपसे पूछता हूं बेटी, आप जवाब दीजिए. जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इनकी डेवलपमेंट किसने की थी? चंद्रमा से लोग आए थे, मंगल ग्रह से लोग आए थे, समुद्र से निकल के लोग आए थे, या इनके अपने लोग थे? इनके अपने लोग थे. मैं अभी तक 5 करोड़ नौजवान भारतवासियों से बात कर चुका, आई ट्रैवल द कंट्री, कि भाई किसने किया? बोले उनके लोगों ने. मैंने कहा फिर हमें क्या तकलीफ, व्हाई कांट वी डू इट? ये जोश आना चाहिए. मैम अब हु इज रिस्पॉन्सिबल, इसकी एनालिसिस आप करते रहिए, लेकिन भगवान ने हमें आंखें सर के आगे दी है, वी लुक अहेड. और हर जगह में सबसे आसान तरीका होता है पॉलिटिशियन को गाली दो, मिलिट्री को गाली दो, इसको गाली दो, उसको गाली दो, पर अपने अंदर झांक के देखिए ना कि मैंने क्या किया है. और हम लोग अब देखें, अब फॉर एग्जाम्पल आप देख रही हैं कि मैंने जो इस समय जो मैंने ये ट्रैक सूट का टॉप पहना हुआ है, आई हैव द फ्लैग हियर, छोटा सा मैंने पहन रखा, आप देख रही हैं, एवरी इंडियन वेयर्स दिस. हमने ये नया शुरू किया था हर घर तिरंगा, पीएम साहब ने ये आदेश दिया, ये आंदोलन चलाया था हर घर तिरंगा, हमने उसको मॉडिफाई कर दिया है, हमेशा हर घर तिरंगा. द प्राइड, यू हैव टू सी दिस प्राइड टू बिलीव इट बेटी. गांव गांव में बात होती है. अब देखिए मैं आपको मजे की बात, ये पेटीएम इज एन इंडियन प्लेटफॉर्म जिसे हम पेमेंट्स करते हैं, जैसे गूगल पे है और ये है वो है. आजकल तो मजाक ये है कि जब आप कहीं जा रहे हो तो कोई भिखारी आता है, उसको कहते हैं बाबा मेरे पास पैसे नहीं है, अरे फोन तो है सर, पेटीएम से दे दो. तो ये वो मजाक करते हैं. और एक दिन में बेटा जैम में जो जन आधार और मोबिलिटी है, जनधन एंड आधार एंड मोबिलिटी, 40 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन एवरी डे, जिसमें से 38 करोड़ हमारी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है. तो असल में क्या है, डिसीजन हैज बीन टेकन कि लोगों का जीवन जितना आसान बना सकते हो वो बनाओ. अब आपके यहां किसकी गलती है, भूखे क्यों हैं सब लोग, इतनी करप्शन क्यों है, इसका निर्णय आपने करना. आई एम नो वन टू से एनीथिंग ऑन दिस. मैं तो कह सकता नहीं फौज की गलती है, इसकी गलती है, उसकी गलती है. नो, गलती होनी थी, हो रही, एक दौर से आप गुजर रहे हैं, बट यू हैव टू लुक टू द फ्यूचर. बेटी निराशावाद समझते हैं, सिनिसिज्म, वो आपको ताकत नहीं देता, वो आपकी ताकत चूस लेता है. ये जो बीबीसी की फिल्म बनी थी ऑन इंडियाज प्राइम मिनिस्टर, 20 साल पुराना केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बरी कर दिया था, ये इसलिए बनाया जाता है कि निराशावाद करे, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ होप इन इंडिया कि भाई अब इस होप को किसी तरह से तोड़ा जाए, ये जो ऑप्टिमिज्म है इसको तोड़ा जाए, वो सक्सीड नहीं हो रहे. सो पाकिस्तान का फॉर्मूला, फॉरगेट द फिगर्स, इकोनॉमिक फिगर्स आई विल वर्क आउट फॉर यू, लेकिन सबसे बड़ी चीज है फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन योरसेल्व्स और आपके देश के भविष्य में. ये आ जाए बाकी सब हो जाएगा.
बिल्कुल सर, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जाहिर है कि आपकी बात भी लोग सुन रहे हैं और आपकी बात सुनते रहते हैं, बल्कि हम टीवी पे भी अक्सर सुनते रहते हैं, तो आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपने किया, एंड मे गॉड ब्लेस पाकिस्तान एंड यू इन पर्टिकुलर। जाइए उन ऊंचाइयों पे जाइए, हमें खुशी होगी, हम नाराज, वी डोंट हैव एनी बिलीफ इन शाडेनफ्रॉइड एपिकर्टस किसी कि अगर जी पाकिस्तान तरक्की कर रहा है हमें गुस्सा आ रहा है, हमें गुस्सा नहीं आ रहा, हमें खुशी होती है। We are not your eternal enemy. Make us your eternal friend. Thank you so much, sir. Thank you, sir. All the best, baby. All the best.